नगर में उस समय पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया जब गुरुवार दोपहर पुलिस थाने के आरक्षक की पत्नी से दिन दहाड़े अज्ञात दो बदमाश चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दे गए। घटना गुरुवार दोपहर 3:30 बजे गुरु नानक मार्ग की, जहां दिन के समय काफी चहल पहल बनी रहती। इस मामले की जानकारी देते हुए बड़वाह TI संजय द्विवेदी ने बताया कि कविता पति प्रवीण कार लेकर दोपहर के समय अन्य महिलाओं के साथ गुरु नानक मार्ग से MG रोड की तरफ खरीदी करने जा रही थी, तभी बाइक पर बैठे दो अज्ञात बदमाश में से एक ने महिला के पीछे से जाकर गले पे झपट्टा मारा और सोने के मंगलसूत्र को खींचा। इस दौरान चेन टूट गई, लेकिन सोने का पेंडल और मोती बदमाश लेकर गुरु नानक मार्ग से रफू चक्कर हो गए। घटना के बाद महिला की चीख पुकार से अन्य लोग मदद के लिए दौड़े, तब तक बदमाश वाहन से फरार हो चुके थे, जिसके बाद महिला ने अपने पति को घटना की जानकारी देकर घटनास्थल पर बुलाया। पुलिस जवानों ने मौके पर जाकर दुकानों के बाहर लगी CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की खोजबीन करना शुरू की। थाना प्रभारी द्विवेदी ने अज्ञात बदमाशों की तहकीकात के लिए टीम गठित की, जिनके द्वारा सतत तलाश की जा रही है। जबकि इस घटना की सूचना मिलते ही शाम करीब 7 बजे SP शैलेंद्र सिंह चौहान, एडिशनल SP भी बड़वाह पहुंचे, जिन्होंने SDOP मान सिंह ठाकुर, थाना प्रभारी संजय द्विवेदी के साथ घटनास्थल सहित अन्य रहवासियों के घरों में लगे CC कैमरे में फुटेज खंगाले। इसके बावजूद शुक्रवार सुबह तक बदमाशों को सुराग हाथ नहीं लगा। सर, चेन स्निचिंग का एक मामला है, क्या घटनाक्रम और SP सर उन्होंने निरीक्षण किया है, क्या देखा? घटना कल 29 तारीख की है। 29 तारीख को दोपहर में करीब 3:30 बजे एक जो महिला है वो वहाँ पर जो गली है बॉबी टेलर की गली कहलाती है, उस गली में वो अपने काम से जा रही थी, तो बाइक से दो लड़के आए, उसमें से जो पीछे बैठा हुआ था उसने उनके गले से मंगलसूत्र खींचा। मंगलसूत्र के टूट के कुछ उसके मोती वहीं गिर गए और बाकी पेंडल और कुछ मोती ले जाने में वो कामयाब रहे। और उसके बाद में उनके द्वारा जब महिला चिल्लाई तब तक लोगों ने देखा, तब तक वो वहाँ से भाग चुके थे। रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और पुलिस द्वारा 2 टीमें भी बनाई गई हैं और टीमों को उस उनके आने जाने के रास्ते हैं और जो CCTV फुटेज हैं वो भी हम खंगाल रहे हैं। उसके आधार पर हम आगे शीघ्र ही उनको पकड़ने के लिए योजना हम लोगों ने बनाई है और हम लोग उसको पकड़ेंगे। सर, SP साहब ने भी निरीक्षण किया है, क्या देखा और क्या? हाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय भी घटनास्थल पर कल आए थे, उनके द्वारा भी घटनास्थल का मुआयना किया गया और हम लोगों को जो निर्देश दिए गए उनका पालन हम लोग कर रहे हैं। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वाह से सागर जाट की रिपोर्ट। प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।